आ क्या जाऊंगा मैं, गाड़ी के नीचे आ गया राज। लेटा यार, और कर लेटा नहीं मैं कर बैठा। भाई साहब ये सब कैसे हो गया? अरे चल चल, अरे कुछ नहीं, गाड़ी तेज आ रही थी ना, दो हड्डी टूटी होगी, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। चलिए चलिए जल्दी कीजिए। हाँ हाँ, राज राज तू आगे बैठ, मैं पीछे बैठता हूँ। पीछे क्यों बैठ रहा है? मैं पिक्चर देखने जा रहा हूँ, कोई हॉस्पिटल जा रहा हूँ मैं। नहीं नहीं आप जाइए, भाई साहब बाद में बात करेंगे। चलिए चलिए चलिए, मैं अकेला जाऊंगा हॉस्पिटल। राज तू चिंता नहीं करना, बैठिए बैठ गई, दरवाजा बंद कर लीजिए। आपको दुख नहीं रहा है? कर रहे हो क्या, तोड़ रहे हो? चोट यहाँ लगी है तो दर्द वहाँ कहाँ से होगा? सो सॉरी, ऊंचा करो ऊंचा करो ऊंचा करो। आस्ते 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 आ आ। अरे घबराने की कोई बात नहीं, ये तो मामूली सी चोट है, मैं दो दिन की दवाई लिख देता हूँ, तुम एकदम ठीक हो जाओगे। हैं तुम्हारा नाम बताओ फटाफट। राज मल्होत्रा। राज मल्होत्रा, देखो मैंने दो दिन की दवा लिख दी है और इसे सुबह शाम। ये क्या, ये बैसाखी किस लिए? चोट मुझे लगी है, दर्द मुझे हो रहा है, पैसा भर रहा हूँ फिर भी पूछ रहे हैं बैसाखी किस लिए? कमाल है, चोट पाँव में लगी है, सर पे लगी है? मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह। ओह माय गॉड, आप गए नहीं? आपको क्या हो गया? कोई बात नहीं, थोड़ा सा हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ है, डॉक्टर साहब कहते हैं कि 15 दिन में ठीक हो जाऊंगा। 15 दिन? आप मेरी वजह से इन बैसाखियों पर। आपकी वजह से नहीं, मेरा ही कोई पाप आड़े आ गया होगा मेरे। नहीं, गाड़ी तो मैं तेज चला रही थी, I'm so sorry। आपको अपनी गलती का एहसास हुआ ना? जी। सजा भुगतना चाहती हैं आप? जी बिल्कुल, क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? प्लीज मुझे नीचे टैक्सी तक छोड़ दीजिए। क्या बात कर रहे हैं आप, मैं अपनी गाड़ी में आपको घर। आई। संभल के संभल के संभल के। हाँ एक मिनट रुक जाइए। हाँ संभाल लूंगी। आई आई यही ऊपर रहते हैं? जी। अच्छा संभल के। कोई बात, आई आई आई, काफी तकलीफ उठानी पड़ी, यहाँ बैठ जाइए बैठ जाइए। एक मिनट। हाँ ये तस्वीर? जी ये मेरे गुरुजी की तस्वीर है, मगर मैंने तो आपको इनके साथ पहले कभी नहीं देखा। जी मैंने भी इनको कभी नहीं देखा, मगर ये हमारी वकालत की दुनिया के बेताज बादशाह हैं। इनके केस को स्टडी किए बगैर कोई आदमी वकील बन ही नहीं सकता। जी मगर आप इनको कैसे जानती? ये मेरे डैडी हैं। डैडी? पाँव कहाँ है? क्या कर रहे हैं आप? खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए प्लीज। गुरु नहीं तो कम से कम गुरु पुत्री के ही पाँव छू लूं। देखिए आप ऐसा मत कीजिए, आप ठीक हो जाइए, मैं आपको अपने डैडी से मिलाऊंगी। मैं इनसे मिल सकूंगा? Of course. He will meet me? Of course he'll meet you. Oh, मतलब, how sweet of you. नहीं, आप बैठिए ना। No problem. Please. आज नहीं, फिर कभी, मैं फिर आऊंगी, आप अपना ख्याल रखिएगा। आओ मैं तुम्हें बाहर रख छोड़ देता हूँ। Okay, मैं चली जाऊंगी। नहीं, really? Are you sure? Okay, thank you, okay, bye. See you. Bye. Bye. अब देखिएगा जनाब, इस बैसाखी को पकड़ के उस बैसाखी के सहारे अगर मैंने आपको अपनी बैसाखी न बना लिया तो मेरा नाम भी राज नहीं, नमस्ते सर। नमस्ते। वो आपसे थोड़ा काम था। क्या? वो नवजीवन सोसाइटी का केस आप ही लड़ रहे हैं ना? तो वो केस हमारे खिलाफ है सर, हम वहीं के टेनेंट्स हैं। तो मैं क्या करूं? देखिए वैसे भी कोर्ट में केस लड़ने की हमारी ताकत नहीं है और आपके सामने केस जीतना बहुत ही मुश्किल है। अगर इतनी अकल है तो केस क्यों लड़ रहे हो, घर क्यों नहीं खाली करते? देखिए हम घर खाली कर देंगे तो फिर हम जाएंगे कहाँ? मुझसे पूछ के मुंबई आए थे, अब आप लोग जा सकते हैं यहाँ से। देखिए देखिए ऐसा मत कीजिए वकील साहब, देखिए भगवान ने आपको तो इतना खुश दे रखा है, पैसों के खातिर हमारे सर से हमारी छत मत छीनिए, आप हाथ जोड़ते हैं हम आपके आगे। अगर हाथ जोड़ने हैं तो मंदिर जाके जोड़िए, पर अब तो भगवान भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। देखिए देखिए बात तो सुनिए। एक मिनट जीजा जी, ये लोग आपके पास इतनी आस लेकर आए हैं और आप इनकी मदद करने की जगह इन्हें धुतकार रहे? क्योंकि मैंने ऑपोजिट पार्टी का केस अपने हाथ में ले लिया। लेकिन गलत लोगों को जितवाना तो नाइंसाफी है। अच्छा तो तुम इन्हें इंसाफ दिला दो ना, मैं भी देखता हूँ आज की तारीख में सच्चाई के लिए सच्चाई के बलबूते पर कौन लड़ता है।
है जीजा जी, ऐसे एक आदमी को मैं जानती हूँ जो आज की तारीख में सच्चाई के बलबूते पर न सिर्फ लड़ सकता है, जीत भी सकता है। Wish you all the best. आप बेफिक्र रहिए, आपका घर घर है, कोई चिड़िया का घोसला नहीं जो अपने घर की सफाई में कोई निकाल कर फेंक दे। आप देखिए, मैं इनकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। वैसे मेरे सामने केस लड़ कौन रहा है? मेरे जीजा जी, आप अपनी कंपनी को मुझसे क्यों हरवा देना चाहती हैं? तो क्या हुआ, महाभारत में भी तो पांडव अपने भाइयों से लड़े थे। यू आर राइट, और वैसे भी महापुरुषों का यही कहना है कि सच्चाई के लिए कोई भी चीज छोड़ी जा सकती है, मगर किसी भी चीज के लिए सच्चाई को छोड़ा नहीं जा सकता। आई विल विन दिस केस। मिस्टर आनंद महात्रे, आप जिस जगह में रह रहे हैं वो जगह आपने कब और कितने में खरीदी? 1977 में, 25,000 रुपए पगड़ी पे। मतलब आपने खरीदी नहीं थी, उस जगह पे आप किराए पे रह रहे हैं। मिस्टर वचानी कौन है? वो तो बिल्डर हैं, मेरा मतलब मकान मालिक। और उन्होंने जगह खाली करने की आपको कितने पैसे की ऑफर दी? 2.5 लाख रुपए। मतलब 10 गुना ज्यादा जितने आपने पैसे दिए थे उसे। अब महंगाई भी तो बढ़ गई है सर। आखिर आप चाहते क्या मात्रे साहब? घर के बदले घर। अच्छा ये बताइए, आज आप कोर्ट कैसे पहुंचे? टैक्सी में। कोर्ट पहुंचने के बाद आपने टैक्सी का क्या किया? किराया दिया और छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? उस पे कब्जा क्यों नहीं किया? उसके मालिक क्यों नहीं बन गए? उसे घर क्यों नहीं ले गए? किराए के टैक्सी का मालिक कैसे बन सकता? एग्जैक्टली योर ऑनर, इस पॉइंट को नोट किया जाए। इन्होंने खुद कहा है कि किराए की चीज का मालिक नहीं बना जा सकता, फिर ये किराए के मकान के बदले में मकान कैसे मांग सकते हैं? मेरे क्लाइंट ने इन्हें 2.5 लाख रुपए का ऑफर दिया है, ये तो इनकी दरिया दिली है। मैं तो यही चाहूंगा कि मेरे क्लाइंट को इंसाफ मिले। दैट इज ऑल योर ऑनर। डिफेंस को कुछ कहना है? राज, गो, गुड लक। चल चल, छुट्टी कर दे सबकी। डिफेंस कुछ कहेंगे? गेट अप, गेट अप, गेट अप। सर, मिस्टर मल्होत्रा, आर यू ऑल राइट? सर, मिस्टर मल्होत्रा, आई थिंक कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप कुछ दवा लीजिए। यस सर। कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर लंच। फॉरगेट अबाउट इट, बैठ जाओ राज। अगर अंदर है तो बाहर करना। सोचने की कोशिश करो। ओ यार, मैं पहली बार केस लड़ा था, मुझे तो डायरिया हो गया था। बोलिए ना, बोलिए ना। हां, सोचने की कोशिश करो। हां, हम कर सकते हैं ना। हां नहीं राज, तेरे को हो क्या गया तेरे को? यार यार, मेरे को हेडेक कर दिया तूने। क्या हो गया इसको? आई कैन डू इट। हाँ तो मिस्टर वाचानी, अगर आपको मुंबई से दिल्ली जाना हो तो आप कैसे जाएंगे? प्लेन से। मान लीजिए आप प्लेन से जा रहे हैं, रास्ते में इमरजेंसी लैंडिंग हो जाती है, आपको जयपुर उतर कर ये कहा जाता है कि आप डबल पैसे ले लीजिए, मगर आप किसी ट्रेन, टैक्सी या बस का बंदोबस्त कर लीजिए तो आप जाएंगे? नहीं। क्यों? मैंने प्लेन का टिकट खरीदा है, मैं एसटी से क्यों जाऊं? एयरलाइंस को मेरे लिए दूसरे प्लेन की व्यवस्था कर देनी चाहिए। नहीं, आपके लिए दूसरे प्लेन की व्यवस्था क्यों होनी चाहिए? क्योंकि एयरलाइंस वाले पैसेंजर को बीच सफर में कैसे छोड़ सकते हैं? माय लॉर्ड, अगर मुंबई से दिल्ली के बीच के सफर में किसी को मझदार में छोड़ा नहीं जा सकता, तो जिंदगी के सफर में किसी को बीच मझदार में कैसे छोड़ा जा सकता है? मिस्टर वाचानी, आपने तो सिर्फ इन्हें चूने और ईंट से बनाया हुआ मकान दिया था, मगर उसे घर बनाया इन्होंने। अपनी भावनाओं से, अपने जज्बात से उसके साथ जुड़े हुए हैं। इनके बच्चों के पैदा होने की खुशियां, इनके बुजुर्गों के गुजरने का गम, इनकी बेटी की विदाई की यादें, इनके बेटे की शादी की शहनाइयों की गूंज। और सर, दुनिया की कितनी भी दौलत इन खुशियों के सामने रख दी जाए तो इनका मोल नहीं चुका सकती। तो फिर किसी भी एक इंसान को पैसे कमाने की लालच में किसी दूसरे इंसान का घर छीनने का हक कैसे दिया जा सकता है? और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप खुद भी ऐसा नहीं होने देंगे। एंड दैट्स ऑल योर ऑनर। राज, बड़ा मास्टर आदमी है यार। कोर्ट है यार, गले लग जा।
वकील साहब, आपने सिर्फ ये केस नहीं जीता है बल्कि हम सबके बच्चों के घरौंदों को उजड़ने से बचाया है। देखिए, हम इसकी फीस तो नहीं दे सकते, लेकिन ये थोड़े से पैसे हैं, हम सबकी दुआएं समझ के रख लीजिए। देखिए, दुआएं पैसों से नहीं तोली जाती, मगर फिर भी इस केस की जीत की यादगार के बतौर मैं ये 500 रुपए का नोट रख लेता हूँ। थैंक यू। जैसे आपकी मर्जी। मेरी पहली कमाई। सत्यमेव जयते, पर आप ये मुझे क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि जीत मेरी नहीं, तुम्हारे विश्वास की है। तुमने इस लड़ाई के लिए मुझे चुना। आगे जब भी मैं सच की लड़ाई लड़ूंगा तो तुम्हें याद करूंगा, और तुम इसी तरह से मुझे हिम्मत देती रहना। राज, राज, ये रजत है, फ्रीलांस रिपोर्टर। अपने प्रोग्राम में अच्छे अच्छे कोर्ट के फैसलों की धज्जियां उड़ा के रख देता है। और रजत, ये है राज, मेरा दोस्त, होशियारपुर का सबसे होशियार वकील। मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करो और इनका इंटरव्यू लो, क्योंकि आज इन्होंने बहुत बड़े वकील के खिलाफ मुकदमा जीता है। अपना बच्चा है यार। जी नहीं, ये मेरा दोस्त है। आज बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि किसी कोर्ट के फैसले के बाद मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं कह सका। थैंक यू सर, थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस। अपनी जीत के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? दरअसल ये केस मैंने कानूनी दांव पेच या किताबों में लिखी दफाओं से नहीं लड़ा, ये केस मैंने दिल से लड़ा है। और मैं ये मानता हूं कि जो भी चीज जिंदगी में दिल से की जाती है वो अक्सर कामयाब होती है। बेटा, एक हफ्ते के लिए दिल्ली क्या गया? मेरा ऑफिस केस हार गया, वो भी कल के एक छोकरे से। डैडी, यू शुड हैव बीन देयर। उसने जो आर्गुमेंट दी, आई मीन जज के सामने जो स्पीच दी, अपने जीजा जी भी कुछ नहीं कर सके। रियली? डैडी, वो आपका सच्चा शागिर्द है, एक लव्य की तरह आपकी तस्वीर की साधना करता है। He really loves you. उसे कल ऑफिस भेज देना, मैं इस एक लव्य से मिलना चाहता हूँ जिसने मेरे अर्जुन को हरा दिया। सर, मैं कमिंग सर। या या, कमिंग कमिंग। थैंक यू वेरी मच सर। सर प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम सर। प्रणाम। ये क्या कर रहे हो भाई? सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, और मेरा यकीन मानिए कि नील आर्मस्ट्रांग को भी चांद पर पहला कदम रखते हुए इतनी खुशी नहीं हुई होगी जितनी खुशी आपके इस कैबिन में पैर रखते हुए मुझे हुई है। आई एम राज सर। राज? हाँ सोनम, तुम्हारे बारे में बता रही थी, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। पैर छोड़ो भाई। जी सर, जी जी। ओके ओके ओके। बेटा कुछ खाओ, खाओ खाओ बेटा। नहीं सर, मेरा सोमवार है। सोमवार मतलब? आई एम फास्टिंग सर। तुम इन बातों में यकीन रखते हो? सर, मेरा यकीन सिर्फ देवी देवताओं को खुश करने के लिए नहीं है, बल्कि मेरा ऐसा मानना है कि हिंदुस्तान की आबादी के 50 करोड़ अमीर लोग अगर कभी कभी अपना एक वक्त का खाना छोड़ दें तो 25 करोड़ गरीब लोगों को दो वक्त का खाना मिल सकता है। इट्स ब्रिलियंट, इट्स ब्रिलियंट। सोनम तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी, बता रही कि तुम केस कमाल के लड़ते हो। सर, ये भी आप ही की तारीफ है सर। मेरी? जी सर। कैसे? सर, मैं लॉ कॉलेज के दिनों से ही आपके जीते हुए केसेस की रेफरेंसेस लेता आया हूँ, यहाँ तक कि आपके इस केस में भी मैंने आपके 82 के जीते हुए कालेकर और खन्ना का रेफरेंस लेकर ही ये केस जीता। मतलब तुमने मेरे केसेस के रेफरेंसेस को लेकर मेरे शिष्य को हरा दिया। सर, आखिर एक शिष्य में और एक भक्त में फर्क होता है सर, और मैं आपका भक्त हूँ। Oh my God, मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ भाई। Sir, you don't have to give me offer, you just order me, sir. I don't believe this. Wait a minute. मैं देखो कहाँ गए? यहाँ से। मैं एक सोशल सर्विस सेंटर चलाता हूँ, जहाँ पर गरीब लोगों को ऐसी एडवाइस देता हूँ। Yes, sir. वहाँ पर तुम्हारे जैसे होनहार और दिल के साफ इंसान की जरूरत है। जी, तुम दो चार घंटे निकाल के वहाँ पर मदद करो, वहाँ तुम्हें पैसे तो नहीं मिलेंगे लेकिन दुआएं बहुत मिलेंगी। I will definitely do the needful, sir. Okay. और मैं शाम को join कर लेता हूँ। Okay. प्रणाम। Okay. अरे, okay. कोई है? Oh. अला, कोई भी आदमी ऐसे बड़ा आदमी नहीं बन जाता। गजब का शुरू आदमी है यार। फोकट में ही काम करा लेना चाहता है। और ससुर ने एक बार भी नहीं पूछा कि बेटा तेरा उपवास है तो दूध पी ले, फ्रूट खा ले। अरे भाई, पानी पूरी लगाना भाई। जी सर। इससे पहले कि मैं बेहोश हो जाऊँ और मुझ पे पानी मारना पड़े, पानी पूरी खा लूँ तो बेटर है ना। ये लीजिए। अरे एक मिनट, गाड़ी रोको। अरे राज बेटा। अरे अंकल, आइए, आप भी पानी पूरी खाइए। लेकिन तुम्हारा तो आज उपवास है ना? उपवास है नहीं अंकल, उपवास था, लेकिन मुझे मजबूरन तोड़ना पड़ा। तोड़ना पड़ा? हाँ, इस बेचारे गरीब की बीवी बीमार है, और मैंने जब इसे कहा कि तुम मुझसे मदद ले लो तो इसने नाक कर दी। बड़ा खुददार आदमी है, कहता कि मेरी बीवी मर जाएगी लेकिन मैं भीख नहीं लूंगा। मैंने इसे कहा कि अगर तुम खुददार हो तो मैं भी खुददार हूँ, आज मैं तुम्हारी सारी पानी पूरियां खा जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी बीवी के इलाज के खर्चे का सारा पैसा मैं भर के दूंगा तुमको। तुम अकेले नहीं हो दोस्त, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मुझे भी लगाना भैया एक प्लेट। अरे और सुनो,
सब ठीक हो जाएगा, घबराना मत। 25-30 लगाना प्लेट है। 25-30? ऐसा ना हो कि इसकी बीवी ठीक हो जाए और हम बीमार पड़ जाए। ऐसा नहीं होगा सर, जिनकी नीयत साफ उनका पेट साफ। चीयर्स। हाँ चीयर्स। भाई कमाल का लड़का है राज, यकीन ही नहीं होता कि आजकल के जमाने में ऐसा आदर्शवादी लड़का भी हो सकता है। बहुत ही ईमानदार और नेक लड़का है। मैं सोच रहा हूँ कि किस दिन इसको खाने पे बुलाया जाए। That's great, let's do that. Okay. अरे हॉर्न मारो ना भाई, ये कौन चल रहा रास्ते के बीच में? Dad, I think that's Raj. Oh, Raj! What a pleasant surprise. Hi, how are you? Hi. How are you? यहाँ कैसे भाई? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बस सर, मैं अपने क्लाइंट के पास आया हुआ था। अच्छा, हमारे मोहल्ले में भी क्लाइंट ढूंढ लिया। कौन से घर पे आए थे भाई? जी वो अपना सामने ग्रीन वाला है ना। अच्छा, आपने चतुर्वेदी साहब का घर भाई? नहीं, वो ग्रीन के बस पीछे ही जो है ना, वो लाल वाला। अच्छा, वो लाल, वो तो किसी खुराना साहब का घर है, मगर वो तो एनआरआई है, यहाँ कभी कभी आते हैं। तभी तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। मतलब उन्होंने अपने केसेस हैंडल करने के लिए मुझे सुकून वाली जगह दे रखी कि मैं इत्मीनान से उनके केसेस हैंडल करता हूँ। अनबिलीवेबल, उसके तो बिल्कुल बाजू वाला बंगला हमारा है। ओ वाओ, अब आप हमेशा हमारे नजरों के सामने रहेंगे। यकीन मानिए, मैं भी यही चाह रहा था। वैसे भी कल इनसे मिलने के बाद मैं भगवान से दुआ कर रहा था कि पता नहीं भगवान इस महापुरुष के दर्शन दोबारा कब कराएंगे। महापुरुष मैं हूँ। और उन्होंने सुन ली मेरी, आज मुलाकात हो गई। आजकल भगवान बहुत सुन रहा है मेरी, जो मांगता पट से मिल जाता है। कहिए आपके लिए कुछ मांगू? बेटे भगवान का दिया सब कुछ है, बस इसके लिए एक अच्छा सा दूल्हा मांगू। सर समझिए, इनको दूल्हा मिल गया। रियली? या तो मैं तुम्हें खुराना साहब के घर तक छोड़ दूं। खुराना? अरे खुराना जिसके घर पर तुम जा रहे हो। खुराना जी, सर मैं चला जाऊंगा, मैं पद यात्रा करते करते कुछ सोचते सोचते चला जाऊंगा। यू प्लीज कैरी ऑन सर। सर आज शाम की चाय हो जाए। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बाय बाय। बाय बाय, सी यू टुमॉरो। ओके, लेट्स गो, लेट्स गो। बाय 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 बाय। गो ऑन, गो ऑन, हरी अप। बाय बाय, थैंक यू। गुड बाय, गुड बाय। रुको रुको रुको, शट अप। कोई गेट पर क्यों नहीं है? सब लोग अंदर क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, कहाँ रहते हो तुम लोग? हम तो पीछे रहते हैं। पीछे? तुम्हें पगार पीछे रहने की मिलती है आगे रहने की? खुराना साहब को बोल के छुट्टी करवा दूंगा सबकी। सुबह से फोन कर रहे हैं, कोई फोन क्यों उठा रहा आप लोग? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बंगला खोलो, मैं उनका वकील हूँ। और सुनो, कोई नौकर है कि नहीं अंदर? हाँ है। उसे कहो कि मेरे नहाने वाने का बंदोबस्त करे और मेरे खाने का बंदोबस्त करे। तेरे पास पैसे कि नहीं? हाँ, खुराना साहब दे गए थे। बताया बताया उन्होंने मुझे। ये पकड़ो बैग जी, चलो सब वहां खड़ा रहे करो गेट पर। तुम चलो जी। वाह, क्या बंगला है, और इस बंगले के मालिक का नाम है खुराना। अब मेरा क्या बिगाड़ लेगा जमाना? पापा, हमने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर भी अगर केस का फैसला हमारे हक में नहीं होता तो हम क्या कर सकते? हमेशा जीत हमारी हुई है, एक आधी हार से क्या फर्क पड़ता है? सवाल हार या जीत का नहीं है, सवाल एक बेगुनाह इंसान को इंसाफ दिलाने का है। सोचो सोचो इस बारे में, सोचो, जरा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। पापा, आप जैसे जीनियस नहीं सोच सकते तो हमारी क्या औकात है? थैंक यू फॉर कॉलिंग मी अ जीनियस, पर बेटा सोचना तो पड़ेगा। सर वही तो सोचो 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 सोचो, सोचोगे नहीं तो केस हार जाएंगे बेटा। सर, हाय राज। बेटा क्या करते हो, डरा दिया? सर हाय। हेलो राज, लगता किसी जबरदस्त केस की डिस्कशन चल रही है, कहीं तो मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट करूं। आपका बोलना जरूरी था। क्यों? ये किसी चाल का मुकदमा या पार्टनरशिप डील की ड्राफ्टिंग नहीं चल रही है, मर्डर केस की डिस्कशन हो रही है, और इस डिस्कशन के लिए आप बहुत छोटे हैं। गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ, मगर रावण ने भी हनुमान जी को एक मामूली वानर समझा था और फिर उन्होंने सारी लंका में आग लगा दी थी। वाह, क्या बात है, क्या बात है। जी जय जी, कभी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। सर आप ये मनोहर तांबे के केस को लेकर परेशान हो रहे हैं। वही तो बात है यार, समझ में नहीं आ रहा क्या कर। ये मनोहर तांबे वही है ना जिसके साथी ने उसके ऊपर जानलेवा हमला किया और उसने अपने सेल्फ डिफेंस में उसका मर्डर कर दिया? मगर सर जज को इस बात पर कन्विंस करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जज ने उसके खिलाफ बहुत अजीब सी राय कायम कर ली है, क्योंकि वो 3 साल से सजा काट रहा है चोरी के इल्जाम में, और उसके जितने केस के जितने आई विटनेस है वो सारे के सारे गुनहगार हैं। और पॉइंट ये है कि अदालत किसी गुनहगार की बात का विश्वास क्यों करेगी? तुम्हें तो इस केस की सारी हिस्ट्री मालूम है, खुद सारी खबरें रखते हो। सर मैं आपका चेला हूँ, और चेले को गुरु की हर बात की खबर रखनी चाहिए। थैंक यू। खबर रखने से यहाँ कुछ नहीं होता राज साहब, मसला यहाँ केस जीतने का है। उसका हल भी है मेरे पास। मेरे पास एक ऐसा सबूत है जिसे जज के सामने पेश करते ही ये बात साबित हो सकती है कि सेल्फ डिफेंस में आदमी किसी का भी मर्डर कर सकता है। कैसे? ऐसे। ये क्या बदतमीजी है राज? ये बदतमीजी नहीं आदर्श साहब, ये सबूत है, और इस सबूत को जज साहब के टेबल के ऊपर रख देना है,
वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह रिएक्ट करेंगे। और उसके बाद जज साहब को सिर्फ एक सवाल पूछना है कि अगर आप जैसी सूझबूझ वाला आदमी अपनी जान का खतरा पाते ही सबसे पहले खतरे को खत्म करने का काम करता है, तो मनोहर तांबे जैसे आदमी ने सेल्फ डिफेंस में अगर किसी का खून कर दिया तो क्या गलत? वाह मेरे बच्चे, टू कूल एंड टू कूल डेडली। तुम्हारे दिमाग में ऐसी आइडिया आते कैसे हैं यार? सर मैं आपका चेला हूँ, मैं नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा? क्या सोच रहे हो राज? कुछ नहीं, तुम्हें देखकर बचपन की एक बात याद आ गई। मेरे बारे में? बचपन में अक्सर मेरी माँ मुझे परियों की कहानी सुनाया करती थी और मैं माँ से हमेशा पूछता कि माँ क्या मैं कभी किसी परी से मिल पाऊंगा या भी नहीं। माँ के पास मेरी इन बातों का कोई जवाब ना होता। आज अगर माँ जिंदा होती तो मैं तुमसे उसको मिलाता और कहता कि देखो माँ, मेरी हकीकत में मुलाकात एक परी से हो गई। अरे रे रे, आंख मिचो और कुछ मांगो, देखो तारा टूटा, तारा तारा तारा। आहा, तुम इन बातों में विश्वास रखते हो? तुम्हें लगता है कि टूटे हुए तारे को देखकर जो मांगो मिल जाता है? अब तक तो नहीं पता, मगर मैंने जो मांगा अगर मुझे मिल जाए तो सबसे पहले तुमको पता लगेगा। चले चलो। छोटी मैम साहब, ये डायरी राज साहब की है, लगता है वो इसे भूल गए। अच्छा जी, थैंक यू जी। मंडे, सोना आज आई तो जरूर अपने हमेशा के वक्त पर सोना का मूड आज ठीक नहीं था। मैंने पूछा, सोना का गुस्सा किस बात पर? उसकी आंखों में दो आंसू उभर आए, कहने लगी, वजह तो तुम जानते ही हो, मैं सब कुछ देख सकता हूँ मगर सोना की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मोहन प्यारे, ये समझ लो कि शहर के सबसे बड़े वकील तेजबाल फंस गए मेरे जाल में। आज सुबह से लेकर शाम तक मुझे बेटा बेटा कहकर जबान नहीं थक रही थी उनकी, और मैं अपने दिल में बोल रहा था कि बेटा नहीं बाबूजी, दामाद बोलने की आदत डालो। अरे दामाद तो तब बनेगा ना जब बेटी मानेगी। अरे वो भी मान जाएगी, जब पेड़ हिल गया तो फल तो गिर ही जाएगा अपनी झोली में। ओए राजा मत देख, जागते हुए सपने मत देख, जा भाई रात बहुत हो चुकी है, जाके सो जा। अरे अभी कहाँ, अभी तो वो आने वाली है। क्यों, प्यार का इकरार हो गया है क्या? नहीं अभी तक हुआ तो नहीं है। तो फिर इतनी रात गई का टाइम पूछने आने वाली है? नहीं, उसके दिल में दरअसल मेरे लिए प्यार बहुत है, लेकिन आज उसका इकरार करने आने वाली है वो। चल ना, कितना बोर करेगा, तेरी भाभी अभी डोरबेल बजाने वाली होगी। बाय बाय। हेलो हेलो। ये आप अपनी डायरी हमारे फार्म हाउस पे थैंक यू भुलाए थे। ओके ओके, बाय बाय। बाय द वे, ये सोना कौन है? सोना के बारे में जानना चाहती हो तो इत्मीनान से बैठकर सुनना होगा, क्योंकि ये एक लंबी दास्तान है। आओ। एक्सक्यूज मी, ये सोना का नहीं, मेरा हाथ है। ओह आई एम सॉरी, पता नहीं ये सोना की बात निकलते है मुझे क्या, आइए ना, मुझे क्या हो जाता है, बस यूं समझ लो कि मैं जिंदगी हूं तो सोना सांसे, मैं अगर दिल हूं तो सोना धड़कन, मैं अगर प्यास हूं तो सोना पानी है। एग्जैक्टली। मैं अगर फूल हूं तो सोना खुशबू, मैं अगर दर्द हूं तो सोना आह। समझ गई समझ गई, आप टीवी हैं तो वो रिमोट है, आप जूता हैं तो वो सॉक्स हैं, आप प्रेशर कुकर हैं तो वो सीटी है, और भी कुछ बोलेंगे आप? सुनो तो सही, पता नहीं ये सोना की बात निकलती है मेरी दुनिया वहीं की वहीं थम क्यों जाती है। अच्छा, बहुत मोहब्बत करते हैं उससे? मोहब्बत, बस यूं समझ लो कि इस नाम के इर्द गिर्द ही मेरी दुनिया बसी है। बहुत सुंदर है दिखने में। सुंदर बोलकर बेइज्जती मत करो मेरी सोना की, प्लीज प्लीज। सोना तो अति अति, अति। देखिए मैं जा रही हूँ, बहुत रात हो गई है, मैं फिर कभी आऊंगी। मेरी सोना की तारीफ में एक रात तो क्या, कई रातें कट सकती हैं। देखिए मैं फिर कभी उनसे पर्सनली मिल लूंगी, मिलवाएंगे ना आप? मुश्किल लगता है मगर फिर भी कोशिश करूंगा। वैसे सोना जी की एक तस्वीर है मेरे पास, देखना चाहेंगी आप?
नहीं जी, जरूर। हाँ मेरे सामने मत देखिएगा प्लीज। क्यों? मुझे शर्म आती है। सोना की तस्वीर, इसे यहां नहीं घर ले जाकर खोलना। फूलों से भी नाजुक है मेरी सोना। कलियों कलियों हम दाना डालें और मछली न फंसे, ये तो हो ही नहीं सकता। सोना पंखा है, मैं हवा हूं। सोना ये है, सोना वो है, सोना ऐसी है, सोना वैसी है। सोना तो सिर्फ मेरी एक कल्पना है, और इस कल्पना का हिस्सा इस आईने में खोजने की कोशिश करो। अरे अब शर्माती रहोगी कि आगे भी पढ़ोगी? अरे पढ़ो तो। एक छोटा सा काजल का टीका लगा लो, मेरी नजरों से अपने आप को देखोगी तो नजर लग जाएगी।